हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप तो स्वच्छ होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैंने पहले रोज की ब्रेकफास्ट में लिए जो पोड़ पिठा बनाया था, सब लोग खा लिए थे। उसके बाद बनाई थी लंच में सिंपल पनीर आलू की सब्जी और दाल, और कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह सुबह हैवी खाना हो गई थी इसीलिए। और शाम के लिए मैंने बनाई दही बड़ा और आलू दम। हमारे यहाँ पर रज में जरूर दही बड़ा बनता है, इसलिए मैंने आज दही बड़ा आलू वाला आलू दम की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आलू दम उड़ीसा की कटक की फेमस आलू दम दही बड़ा होता है। जब कटक के सारी रहने वाले शाम को या सुबह दोनों टाइम आलू दम दही बड़ा आराम से मिल जाता है। हर साइकिल आप लोग कटक में देखेंगे तो साइकिल में दही बड़ा आलू दम ज्यादातर बेचा जाता है। सुबह हुआ शाम आप किसी भी टाइम उसको बनाकर खा सकते हैं। चलते हैं, आज दही बड़ा आलू दम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को ये वीडियो मैंने संक्रांति के दिन डाल दूंगी क्योंकि अगले दिन मैंने पोड़ पिठा की रेसिपी शेयर कर दिया था और मैंने शाम को बनाई, इसीलिए आप लोग संक्रांति के दिन वीडियो देख पाएंगे। उसको मेरे रज की रज संक्रांति के ढेर सारे शुभकामनाएं के साथ आज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी बनाने के लिए। आप लोग आलू दम दही बड़ा एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल टेस्टी बनता है, सुबह हो या शाम किसी भी टाइम हम उसको बनाकर खा सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। आप लोग रात में भिगो दिया था, सुबह उसको पेस्ट बनाकर रख दिया था। 2 कप उड़द दाल मैंने पेस्ट बनाई थी, इसमें 1/2 कप सूजी डालकर अच्छी तरह मिलाकर हम उसको थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए लगने रख देंगे क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूल जाएगा। हम सूजी ज़रूर डालिए, नहीं तो बड़ा ऑयल ज़्यादा ऑयल सोखता है, इसीलिए हम ज़्यादा बिल्कुल उड़द दाल में सूजी डालना चाहिए। हम डालकर अच्छी तरह फेंक कर उसको रेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने आलू दम की तैयारी करी हूँ। ऑयल गरम करके हम तेज़पत्ता, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और जीरा डालकर अच्छी तरह उसको चटकने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को 2 मिनट तक भून लीजिए। अब हम डाल देंगे भूनने के बाद हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम उसको थोड़ी देर भून लेंगे। उसकी कच्चे फ्लेवर जाने के बाद हम डाल देंगे उसमें टमाटर, छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया था उसको मैं डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार नमक डाल दें, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर हम उसको अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर टमाटो सॉफ्ट होने के बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी पानी, मैंने डाल दिया था क्योंकि हमने सूखा मसाला डाली थी ना, इसीलिए मैंने छोटे छोटे आलू को बॉईल करके उसके 2 टुकड़े मैंने कर दिया था। उसको हम मसाला में डाल देंगे, डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से फटाफट से बन जाता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर आलू और मसाला को मिलाने के बाद हम डाल देंगे पानी। देखिए यहाँ पर 5 मिनट के बाद आलू दम बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा क्योंकि ये इसी तरह ही बनता है। इसमें हम अब गरम मसाला डालकर इसका गैस बंद कर लेंगे। अब मैंने आलू दम बन चुकी है, अब हम आ जाएंगे दही बड़ा की तरफ। देखिए हम सूजी को मिला कर रखे थे, इसमें मैंने अब डाल दिया नमक। नमक डालकर मिला लेंगे। उसके यहाँ पर भी ऑयल गर्म हो चुकी है, देखिए मैंने थोड़ी सी उड़द दाल डालकर देखा तो ऑयल गर्म हो चुके थे। वो थोड़ी सी हाथों में पानी लगाकर बॉल बना लीजिए, उसके बीच में होल करके डाल लीजिए। यहाँ बड़ा को अच्छी तरह दोनों साइड फ्राई कर लीजिए। हाई फ्लेम पर उसको बनाइए, नहीं तो ऑयल ज़्यादा ऑयल ज़्यादा ऑयल हमको लगेगा। यहाँ पर इसी तरह मैंने सारी बड़ा को डालकर नमक और पानी में, देखिए यहाँ नमक और पानी में सारी बड़ा को मैंने भिगो कर रख दिया था। थोड़ी देर रख दूंगी बिल्कुल ठंडा होने तक। यहाँ पर दही की तैयारी करेंगे। दही में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने दही में पानी डालकर रख दिया था। यहाँ पर नमक, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए,
खट्टी मीठी दही वड़ा बन रहा है ना, इसीलिए और नमक चीनी थोड़ी सी भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर मैंने एक साथ भूनकर उसका पाउडर बना लिया था। अब थोड़ी सी काला नमक डालकर अच्छी तरह हम उसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद उसमें हम दे देंगे तड़का। आपके पास धनिया की पत्ती हो तो इसमें दही में डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था। अब तड़का में ऑयल गरम करके जीरा राई लाल मिर्च करी पत्ता डालकर अच्छी तरह चटकने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे दही में। दही में डालकर देखिए यहाँ पर मैंने जो बड़ा को पानी में भिगा कर रखी थी उसको दही में डाल दिया। गरम गरम डालेंगे तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब हमारी दही बड़ा एकदम बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं अब उसको सर्व कर रही हूँ। थोड़ी सी बड़ा निकाल लीजिए। उसके बाद ऊपर हम दे देंगे आलू दम। देखिए कितनी प्यारी कलर हो रहा है, टेस्टी भी बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। दही बड़ा के ऊपर आलू दम डाल दीजिए। उसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ी सी सेव और कटी हुई प्याज, काला नमक। आपके पास हरा धनिया हो तो उसमें ऊपर थोड़ी सी डाल दीजिए। यहाँ पर भुनी हुई जीरा और लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डालकर खाइए। ज़बरदस्त बनता है, मस्त बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। ये मेरी रजे की स्पेशल डिश थी, घर सबको पसंद आया था। अब हम सब आलू दही बड़ा बनाकर सब खा चुके हैं। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का ब्लॉग मैंने यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैंने आपके साथ फिर एक रेसिपी लेकर आऊँगी रजे को लेकर। अब हमारी चल रहा है रजे स्पेशल। रज में हमने जो जो बनाती हूँ घर में जा जिस तरह की नई डिश बनता है मैंने आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। पहले चलते हैं, आज का वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। बाय।